हेलो डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो जैसे दो तीन टॉपिक मैंने कवर कर चुका था, तो अभी और एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्या बोला? अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो अशोक कंपनी करके दिए, तो इधर लिख देने का कैलकुलेशन ऑफ टाइम सप्लाई अशोक डाल दिया, राइट। तो इसमें क्या दिया है, वी हैव गिवन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, किस दिन सर्विस प्रोवाइड करना सोचा था, डेट ऑफ इनवॉइस बिल आया था और रिसीव मतलब पेमेंट आया था। तो तीन डेट दिया है, यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई। कौन से डेट पे क्या हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी कहाँ लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेट कौन सा आएगा, राइट। तो भी इसमें अपने को देखना पड़ेगा। तो पूरा खेल किसका मालूम है क्या, 30 डेज का है। कौन सा है, 30 डेज का, फॉरवर्ड आया ना तो 30 डेज का है। तो जो डेट ऑफ प्रोविजन है ना, कौन सा डेट ऑफ प्रोविजन दे दिया, उसमें आपको क्या करने का है, 30 डेज ऐड करना है। क्या करना है, 30 डेज ऐड करना है। फिर चेक करेंगे इनवॉइस टाइम पे मिला है कि टाइम पे नहीं मिला है। टाइम पे मिला है तो यस लेंगे, जब यस रहेगा ना इन दोनों में अर्लियर उठाएंगे, और जब नो रहेगा मतलब टाइम पे नहीं मिला तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में अर्लियर उठाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करके एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपलीफाई एकदम सिंपल अपना तरीका जैसा है यूनिक स्टाइल में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करने का है, तो जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ इनवॉइस है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, तीनों एज इट इज लिख दिया। तीनों क्या करने का है, एज इट इज लिख देने का है। तो मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन को ना यहाँ कॉपी कर दिया है। अभी ये क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, हम लोग इस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो 7-8 मार्क का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, पहले क्या चेक करेंगे कि डेट ऑफ प्रोविजन कभी दिया है, 16-8 को दिया है। कभी दिया है, 16-8। 16-8 का मतलब क्या होता है भाई, मालूम है क्या, 16-8 बोलेगा तो 16 अगस्त, जिसपे कितना दिन ऐड करना है, 30 दिन ऐड करना है। 16-8 पे कितना दिन ऐड करना है, 30 दिन। तो जब 30 डेज ऐड करेंगे तो 8 के बाद कौन सा महीना आएगा, 9, सितंबर हो जाएगा। मतलब 30 दिन का महीना रहता तो 15 सितंबर हो गया, राइट। तो 15 सितंबर, तो इनवॉइस कभी मिला है, 5 सितंबर को, और 30 दिन का डेट क्या है, 15 मतलब इसको 30 दिन ऐड करके क्या है अपना, सपोज 15 सितंबर आया, क्या है, 15 सितंबर आया। फिर देखेंगे डेट ऑफ इनवॉइस 15 सितंबर के पहले मिला है क्या, 5 तारीख को मिला, यस पहले मिला ना, इधर यस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस, यस लिख दिया। फिर तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट। मतलब 30 दिन के 30 दिन ऐड किया हमने और 30 दिन के पहले इनवॉइस मिला है, तो इन दोनों में जो अर्लियर वो तुम्हारा आंसर है। तो अर्लियर कौन होगा, अभी अपने का आंसर क्या आ जाएगा, मालूम है भाई, एक 5 तारीख है और एक 6 तारीख है, तो दोनों में पहली कौन सी तारीख आ रही है, 5, ये तुम्हारा अर्लियर हो गया, 5/9/2022, तो ये आंसर आएगा। तो इससे तुमको 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। वापस से ट्राई करता, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वापस से क्या करने का, अभी सुनो, अभी नेक्स्ट क्या, 6/9 है, तो 6/9, राइट। तो इसमें कितना डेज ऐड करेंगे, 30 डेज ऐड करेंगे, कितना डेज ऐड करेंगे, 30। तो 9 बोलेगा तो क्या होता है, ये 8 तारीख का क्या था, 31 का महीना था, ये 30 दिन का होता है, राइट। तो इधर क्या तारीख आ रहा है, मालूम है क्या, है ना, तो ऐड करेंगे तो 6 तारीख आ रहा है, 6/9 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6/9 आ रहा है। और अपन को डेट ऑफ इन्वेस्ट का भी मिला, 6/10 आएगा, सॉरी 9 के बाद कितना महीना आएगा, 10 तारीख आएगा ना, तो कितना हो गया, 6 के 5 तारीख आ रहा है, 6 ना, तो इधर 24 दिन हो जाएगा, इधर 6 दिन आएगा, तो 30 दिन ऐड करके कितना आ रहा है भाई में, 6 अक्टूबर। अपने को इन्वॉइस कभी मिला, 5 अक्टूबर को, कभी मिला इन्वॉइस, 5 अक्टूबर को, मतलब 30 दिन ऐड करके 6 अक्टूबर आया और एक दिन पहले इन्वॉइस मिला, मतलब 30 दिन के अंदर आ गया है। तो 30 दिन के अंदर आ गया, यस टाइम पे मिला है, तो फिर इन दोनों में अर्लियर उठाएंगे। इन दोनों में पहला कौन है, 21 तारीख की, 5 तारीख है, 5 तारीख है, तो आंसर आएगा 5/10/2022, ठीक है। तो ये भी हो गया, 1 मार्क मिल गया। अभी ये क्या है, 12/9 है, 12/9 पे कितना दिन ऐड करेंगे, 30 दिन ऐड करेंगे, तो 30 दिन ऐड करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 12 अक्टूबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 अक्टूबर, 30 दिन ऐड किया तो 30 डेज ऐड करने के बाद 12 अक्टूबर आएगा। देखेंगे अभी 12 अक्टूबर के पहले मिला है कि लेट मिला है, 14 अक्टूबर को मिला इन्वेस्ट, 12 अक्टूबर 30 डेज ऐड करके आया और इन्वेस्ट मिला 14, मतलब 2 दिन लेट मिला, लेट मिला तो अभी 9 लिखेंगे, लेट मिला तो क्या लिखा, 9 लिखा। फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा तुम्हारा, इन दोनों में अर्लियर होगा, डेट ऑफ इन्वेस्ट और डेट ऑफ प्रोविजन, इन दोनों में अर्लियर कौन है, 12 है, तो आंसर आ जाएगा 12/9/2022, ऐसा रहता है, ठीक है। वापस से ट्राई करता हूँ, अभी क्या दिया है, 16/9, ठीक है, क्या दिया है इधर, 16/9, ठीक है, एक सेकंड ना, हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया अपना, 16/9 को क्या किया हमने, इन्वॉइस किया, राइट। तो इसमें 30 डेज ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 16/10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 16/10। और अपने को कभी मिला, 26/9 को ही मिला है, मतलब 30 दिन ऐड करके 16 अक्टूबर आ रहा है और अपने को कभी मिला है, 26 सितंबर, मतलब 30 दिन पहले ही मिल गया। तो 30 दिन पहले मिल गया तो क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, जब पहले मिल गया तो इन दोनों में अर्लियर रूट आने का है, तो इन दोनों में अर्लियर कौन है भाई, 1/9 है कि 26/9 है, 1/9, तो 1/9 तुम्हारा आंसर आ गया ना यार, ऐसा सम सॉल्व करेगा आ जाएगा ना यार। चलो और एक ट्राई करता फिर आ जाएगा, ठीक है।
18-9 है, 18-9 को कितना दिन ऐड करेंगे, 30 दिन ऐड करेंगे, तो 18 अक्टूबर आएगा। क्या आएगा? 18 अक्टूबर। इसको ऊपर 30 दिन ऐड किया तो 18 अक्टूबर आएगा। पर इन्वॉइस कभी मिला अपने को? 14-4 नवंबर को मिला है, मतलब लेट मिला ना यार, 18 अक्टूबर के बाद ही मिला है, तो लेट मिला मिला तो नो हो गया। क्या हो गया? नो। जब नो हो गया मतलब इन्वॉइस टाइम पे नहीं मिला, तो इन दोनों में अर्लियर डेट कौन है? 18-9 की 4-11 है, 18-9, 18-9 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर है? अर्लियर मतलब पहला, अर्लियर मतलब क्या आएगा? पहला। ठीक है, अभी 6 वाला क्या है? 20-9 दिया है। क्या दिया है? 20-9। तो उस पर कितना दिन ऐड करने का अपने को भाई? 30 दिन ऐड करने का, तो 20 अक्टूबर हो जाएगा। कितना अक्टूबर आ जाएगा? 20। अपने को डेट ऑफ इन्वेस्ट का मिला 22 अक्टूबर को मिला, मतलब 20 अक्टूबर के पहले मिलना चाहिए, 20 के बाद मिला है, तो लेट हो गया ना। तो क्या लिखेंगे? इन्वेस्ट टाइम पे नहीं मिला है, इसलिए नो लिखा। तो इन दोनों में अर्लियर उठाएंगे, इन दोनों में टाइम पे मिला तो इन दोनों में, टाइम पे और लेट मिला तो इन दोनों में, तो कौन है? 20 और 22। तो दोनों में पहला कौन आएगा? 20। तो ये जो लिख रहे हैं ना आप लोग, ये तुम्हारा आंसर होगा। वैसे ये भी तुम लोग दो ट्राई करके कमेंट में डाल देना, ठीक है? तो एक टॉपिक तुम्हारे और कवर किया, टाइम ऑफ सप्लाई 8 मार्क 7 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा, राइट? तो क्वेश्चन में जो डेट दिया रहेगा एसिडिस लिखने का है, इन्वेस्ट इन टाइम येस और नो, टाइम पे मिला तो इन दोनों, टाइम के लेट मिला तो इन दोनों, और लास्ट में टाइम ऑफ सप्लाई TOS है ना, ऐसा आंसर रहेगा। ठीक, लास्ट का तो तुमने डेट डाल देना ना कमेंट में यार, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना भाई।